Hi guys, my name is Kabir. आप देख रहे हैं PNTV and have a happy, safe होली guys. नहीं, हर्ष डरा हुआ नहीं है. हर्ष की ऑलरेडी प्लानिंग है, क्योंकि उसने उससे जस्ट किडनैप करने से पहले, उसे बेहोश करने से पहले उसको कॉल करके बाहर बुलाया. वो कॉल करने का रीज़न ये है कि एक्चुअली शिखा और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों घर से भाग जाएं, तो हमें राजवीर को किसी भी तरीके से हटाना है. हाँ, शिखा आइए, शिखा को हाय बोलना है. तो शिखा और हमारी प्लानिंग है ये कि शिखा एक्चुअली उसको राजवीर को बता देती है कि मेरा और रजूनी का चक्कर चल रहा है. तो इस वजह से राजवीर को मैं फ़ोन करके बाहर बुलाता हूँ कि अगर उसका सबूत चाहिए तो बाहर आओ, जहाँ पे मैं उसे एक्चुअली बेहोश करके ले जाता हूँ. राजवीर को पहली बात तो पता नहीं है कि मैं हर्ष हूँ. उसे सिर्फ रैंडम फ़ोन कॉल आया किसी का कि सबूत चाहिए. उसे उसकी याददाश्त चली गई, तो उसे रैंडम कॉल आया कि यार सबूत चाहिए तो बाहर आ, तो इसलिए वो बाहर आता. ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे मैंने राजवीर को बेहोश किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि मैं एक्चुअली उसे गाड़ी में डल के ले जाऊं, बट बग्घा साहब आ जाते हैं मेरे सामने, तो ऑफकोर्स अगर वो उसे देख लेंगे तो मुझे तो मार ही डालेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ उस टाइम. सबसे बड़ा प्लान एक्चुअली है कि होलिका दहन आ रही है, तो मैं और शिखा यही प्लान करते हैं कि उससे पहले किसी तरीके से बेहोश करते हैं, जो मैंने कर दिया ऑलरेडी. तो मैं एक्चुअली ये प्लान करता हूँ कि जो होलिका दहन है, वो जो मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ ताकि वहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाए कि वहाँ पे किसी को दिखे ही नहीं कि नीचे राजवीर है. तो मेरा एक्चुअली ये प्लान होता है कि मैं उस होलिका दहन में राजवीर को भी जला दूँ. शुरू से ही मेरा प्लान है कि मेरे को राजवीर को किसी भी तरीके से मारना है ताकि मैं और शिखा भाग जाए बस. अर्जुनी एक्चुअली हाँ, उस टाइम पर उसका पैर देख लेती है तभी वो बच जाते हैं, बट ठीक है, इसके बाद का एक्शन तो अभी तक तो मेरी पोल खुली नहीं है. तो जब मेरी पोल खुलेगी तो मतलब बीच के जो सीन्स आई डोंट नो वाले, बट आई होप कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा होगा, बिकॉज वो चाहता है कि वो शिखा के साथ भाग जाए. तो आई होप कि नेक्स्ट भी जो प्लान करेगा वो उसे मारने का बहुत बुरा तरीका ही होगा. आई एम श्योर, मुझे लगता है कि अगर पोल खुल जाएगी, क्योंकि मैंने इतने सारे कदम उठाए राजवीर को मारने के लिए, मुझे लगता है अगर पोल खुल गई तो डेफिनेटली बग्गा साहब या तो मुझे मार देंगे या तो जेल में दे देंगे. दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी.